एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज है डे 3, तो हम एक्सप्लोर करेंगे इस शिप को और ज्यादा, दिखाएंगे कुछ रूम कैटेगरीज जिससे आपको एक नॉलेज आ जाए कि यहाँ पे कैसे कमरे होते हैं और आपको कौन सा बुक करना चाहिए। दिखाएंगे कि चेकआउट कैसे होता है, डीबोर्डिंग कैसे की जाती है, वो सब। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे इस शिप की खूबियां और खामियां, देंगे एक ऑनेस्ट रिव्यू कि आपको ये क्रूज शिप बुक करना चाहिए या नहीं। तो फिर देर किस बात की, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये है कॉर्डिलिया क्रूजेस की आइटनरी जनवरी से मार्च 2023 के लिए। आप चाहे तो इसे पॉज करके फोटो खींच सकते हैं या स्नैपशॉट ले सकते हैं और आप अपना क्रूज इसके अकॉर्डिंग बुक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस क्रूज की जो कैपेसिटी है पैसेंजर की वो 2000 है और जो इनका स्टाफ है वो ऑलमोस्ट 600 है, तो ये काफी बड़ा क्रूज है। तो आज है डे 3, तो चलिए आपको दिखाते हैं मेनू में क्या क्या है। स्पाइसी चिकन सॉसेज, फ्राइड एग्स, फ्रेंच टोस्ट, सॉर्टेड फ्रूट्स, सॉर्टेड पिकल्स, कोकोनट चटनी, टोमेटो चटनी, टर्मरिक चटनी, मिंट चटनी, आइस चीज, प्लेन कर्ड, फ्लेवर्ड कर्ड, कंचीपुरम इडली, येलो वाली इडली है, सांभर है, सूर बोंडा सांभर, पूड़ी उत्तपम है, ऑनियन कांदा बटाटा पोहा विद नट्स, आलू पराठा, रोस्टेड ब्रेकफास्ट पोटैटो विद पेपर, बॉइल्ड एग्स, ब्रेड वगैरह भी है, प्लेन पोर्शन, वेनिला मफिन्स, स्ट्रॉबेरी दानिश, एगलेस, सिनेमन रोल्स, स्लाइस केक है, ये एक लौता है जिसके अंदर एग है, जैम, बटर और मार्मलेड। जो वीडियो के मार्केट है वो यही है, अभी फिलहाल बंद है। और आपको बता दूं गाइस, आप कितनी भी कोशिश कर लो, एक ना एक कोई ना कोई चीज़ आपसे छूटनी ही छूटनी है, तो उसका ज़्यादा लोड मत लीजिएगा। वो इसलिए क्योंकि अगर मान लीजिए कोई चीज़ कॉमन है, जैसे सिंगिंग वगैरह है, म्यूज़िक है, लाइव म्यूज़िक वगैरह है, तो वो आप चाहें तो मिस आउट कर सकते हैं, कोई दूसरी एक्टिविटी कर सकते हैं। लेकिन होता ये है कि कई एक्टिविटीज़ जो है वो एट अ टाइम स्टार्ट होती है। अब आप ये कर लो या ये, अब प्रायोरिटी आपको सेट करनी पड़ेगी। और मान लो अगर आपका कोई एक उससे मिलता जुलता है या उस टाइप की एक्टिविटी कर चुके हो आप, तो दूसरी एक्टिविटी कर लीजिएगा। तो हम इतने ही बिजी रह गए ये एक्टिविटी वो एक्टिविटी करने में, इसलिए ये वीडियो गेम जो है वो हमसे छूट गया। और मैं एक गेमर हूँ तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन अगर आप आते हैं तो मेक श्योर आप इसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। डेक 6 के सबसे पीछे आते हैं तो ऐसा कुछ नज़ारा होता है। यहाँ पे बैठने के लिए सीट्स वगैरह भी हैं, तो बढ़िया, आप यहाँ पे नज़ारे का मज़ा ले सकते हैं। बेसिकली ये बैक साइड है शिप का, तो डेक 6 से ये बहुत अच्छा दिखता है। यार मैंने आपको पहले दिखा दिया डेक 6 का, अब जैसे ही आप आगे आएंगे तो आप आ जाएंगे एकदम फ्रंट में। ये है शिप का फ्रंट पार्ट। जो भी आप ये ऊपर देख रहे हैं, बेसिकली शिप यहीं से कंट्रोल होता है, उसे हम ब्रिज टूर कहते हैं, लेकिन हम नहीं कर पाए क्योंकि हम बाकी एक्टिविटीज में उलझे रह गए थे। लेकिन अगर आप आते हैं और अगर आपको ब्रिज टूर मिलता है तो उसे मिस बिल्कुल मत कीजिएगा, जहां वो बताएंगे कि ये क्रूज शिप कैसे वर्क करता है सीधा कैप्टन के कॉकपिट से। गाइस, मोस्टली लोग यहां मिस कर देते हैं, लोग घूमते तो हैं पर पूरी तरीके से नहीं घूमते। तो अगर आप डेक 6 पे हैं तो पूरा एक राउंड ले लीजिएगा, जिसमें आपको फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट शिप का दोनों ही देखने मिल जाए, एंड ट्रस्ट मी आपको बहुत अच्छा लगेगा। स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, लेकिन फिर भी अगर आपको अपने फेफड़े खराब करने हैं तो गाइस यहाँ पे दो जगह है, एक है डेक 10 पे एक साइड में जहाँ पे स्मोकिंग अलाउड है, और दूसरा है डेक 6 पे। बाकी इसके अलावा अगर आप कहीं स्मोकिंग कर रहे हो तो सीधा $1,000 का फाइन पड़ेगा। कचरा कर रहे हो, थूक रहे हो, तो $1,000 का फाइन लगेगा। काश सब जगह ऐसा हो जाता। मैं आपको कुछ रूम्स बता देता हूँ। ये ऐसे होते हैं बंक बेड्स, एक के ऊपर एक ट्रेन के जैसे, और ये ओशन व्यू नहीं होता है, तो अगर आपका बजट कम है और ज़्यादा जन है तो आप ऐसा रूम भी ले सकते हैं। गैस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आपको क्लॉस्ट्रोफोबिया वगैरह है तो मेहरबानी से इस रूम को बुक मत कीजिएगा, ओशन व्यू कीजिएगा जिससे आपको बाहर की चीज़ें दिखती रहें। ये है इंटीरियर रूम्स, इसमें भी आपको विंडो नहीं मिलती और ये भी बजट कैटेगरी में ही आता है। और फिर आता है ओशन व्यू जो हमने लिया था। ये है हमारा ओशन व्यू। ये है बालकनी रूम, इसकी खासियत ये है कि यहाँ पे आपको बैल्कनी मिलती है एडिशनल, जहाँ पे आप बैठ के व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। ये है स्वीट रूम, ये भी काफी बड़ा और लग्जरी रूम है। और ये है यहाँ का सबसे लग्जरी कैटेगरी रूम जो कहलाता है चेयरमैन स्वीट रूम। और ये हम उन्हें एडवाइस करते हैं जो 4 से 5 दिन के लिए जा रहे हैं और जिनका बजट बहुत हाई है। क्या आपको ये क्रूज बुक करना चाहिए या नहीं? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल। हम 100% रिकमेंड करते हैं कि आप इस क्रूज शिप को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अब आपको फॉरेन जाने की जरूरत नहीं, इंटरनेशनल क्रूज ही आपको इंडिया में मिल जाएगा। प्लस ये एक फ्लोटिंग 5-स्टार होटल है, जिसमें ऐसी चीजें करने को मिलेगी जो शायद आपको 5-स्टार होटल में भी करने ना मिले, जैसे कि लाइव शोज, बेहतरीन लाइव म्यूजिक और बहुत सारी एक्टिविटीज। साथ ही साथ
ऐसा खाना जो अनलिमिटेड है और वो भी दिन में 5 बार। अब कमी घटियां तो सब में होती है, लेकिन उन कमी घटियों को नजरअंदाज कीजिएगा और इस क्रूज को बुक करके इसका मजा जरूर लीजिएगा। चलिए तो अब हम आपको दिखाते हैं कि इस क्रूज में डीबोर्डिंग कैसे होती है। Our guests from deck number 8, please assemble in the Starlight Restaurant on deck number 5 forward after the ship. तो guys इस तरीके से वो inform कर देते हैं कि deck wise किसको कहाँ पर जाना है और अगर कोई बिल पेंडिंग है तो वो पहले पे कर दो ताकि बाद में फिर दिक्कत ना हो। अगर फ्रेंड्स आपके कार्ड में बैलेंस रह जाता है तो ड्यूरिंग चेकआउट या आपको रिफंड कर देते हैं। हमारा जो डेक है वो है डेक 7, तो हमें बुला गया है कनेक्शन में जो कि है डेक 6 पे, तो हम जा रहे हैं वहाँ पर। तो गाइस फाइनली हम लोग मुंबई पहुँच रहे हैं, ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं। सिटीज दिखने लगी है बढ़िया। शिप जो है वो भी बहुत ज़्यादा स्लो हो गया है, तो बस अब थोड़ी देर में अब हम डॉक करने वाले हैं। तो गाइस जहाँ से की थी शुरुआत वहीं वापस आ गए हैं, यानी कि हम मुंबई वापस आ गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहीं से हमने कौडिल्या के लिए एंट्री की थी, अब एग्जिट भी यहीं से करेंगे। तो अब शिप डॉक होने वाला है, आगे आपको बताता हूँ कि क्या प्रोसेस हो रहा है। तो गाइस डोर खुल चुका है और यहाँ क्रेन की हेल्प से वो ब्रिज लगा रहे हैं, तो फिर इसी से सब बाहर निकलेंगे। तो गाइस अभी यहाँ पे लंबी लाइन लगी हुई है, बिल्कुल जैसे फ्लाइट्स में होता है, जैसे ही दरवाजे खुलते हैं सब भागने लगते हैं, जस्ट लाइक दैट। टाइमिंग चाहे कोई भी हो, आपको अच्छा खासा टाइम लगता ही है बाहर निकलने तक। गाइस एंड पे भी सब मिल जाएंगे आपको, अगर आपको अपना लगेज कैरी करवाना है तो यहाँ पे भी उसकी व्यवस्था की गई है। तो गाइस हम लोग एग्जिट कर चुके हैं, यहाँ पे आपका कार्ड वो चेक करते हैं फाइनली, और फिर चेक करते हैं जैसे बोर्डिंग पास होता है, बस स्कैन करते हैं और बाहर। तो जहाँ से एंट्री की थी अब वहीं से हो रहे हैं एग्जिट। तो गाइस कुछ चीज़ें हैं जो मुझे सही नहीं लगी, वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। सबसे पहली बात तो गाइस माना ये इंटरनेशनल क्रूज़ है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ डॉलर्स नहीं रुपीज़ में भी होना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप इंडिया में ही क्रूज़ चला रहे हो, तो डॉलर और जो रुपीज़ है वो दोनों का आपके पास में ऑप्शन होना चाहिए था। प्लस टैक्सेस लिखा होता है, तो क्या परसेंटेज है, क्योंकि सब जगह अलग अलग परसेंटेज है। जैसे सैलॉन वगैरह में कुछ 33% के आसपास है, कुछ जगह 3% है, कुछ जगह 13% है, तो ये उनको क्लियरली पहले ही मेंशन कर देना चाहिए, या उससे बेस्ट होना चाहिए कि जो भी प्राइस वो रखते हैं वो विथ टैक्स इंक्लूडेड होना चाहिए, कि हाँ ये वंस एंड फॉर ऑल है, यही उसका प्राइस है, और डॉलर्स और रुपीज़ दोनों में होना चाहिए, तो ज़्यादा बेटर होता है। दूसरी चीज़ जो मुझे सही नहीं लगी वो ये है कि जो पिक्स हम लेते हैं, जैसे आप एंट्री करते हैं तो जो वो पिक्स लेते हैं यार, उनको एज अ सुविनियर ही वो देना चाहिए, क्योंकि हम ऑलरेडी इतना पे करते हैं, चाहे आप छोटा रूम लो, बड़ा रूम लो, कोई भी रूम लो, ऑलरेडी इसके प्राइस जो है वो काफ़ी होते हैं। हाँ ऑफकोर्स वो वर्थ इट है, मैं ये ज़रूर कहूँगा, लेकिन इतना तो वो कर सकते थे कि यार कम ऑन, फोटोज़ जो है वो यादगार के तौर पे या सुविनियर्स के तौर पे दे रहे थे, उसके लिए भी आप चार्ज कर रहे हो 490 रुपीज़ के आसपास लगता है, तो वो मुझे सही नहीं लगा। और एक चीज़ कहना चाहूँगा, वाईफाई यहाँ पे आपको प्राइस दे के लेना होता है, कुछ घंटों के लिए मिलता है और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं होता। जितने लोगों ने लिया था हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा उतना स्ट्रॉन्ग पकड़ता नहीं है, और 2 घंटा कब निकल जाता है पता भी नहीं चलता, जो उनका मिनिमम वाला है। बट हाँ अगर वाईफाई दे ही रहे थे तो एक रूम में एक डिवाइस के साथ कनेक्शन वाला दे सकते थे। तीसरी चीज़, हम इंडियंस हैं तो गैस जो बाथरूम में जेट स्प्रे होना चाहिए वो नहीं है, बट ठीक है वो मैनेजेबल है, लेकिन बाकी जो चीज़ें मैंने आपको बोली वो मुझे थोड़ी सही नहीं लगी। तो गैस अब यहाँ पे ख़त्म होता है हमारे क्रूज का सफ़र। आई होप आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, साथ ही साथ इसे शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है, आप उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरीके के नए नए वीडियो जब हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी है, जहां हमारे चैनल से रिलेटेड बहुत सारी अपडेट्स डालते रहते, तो आप हमें उस पर भी फॉलो कीजिए। बहुत जल्द हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ, तब तक खुश रहो, खुश रहने दो, प्रेज़ द लॉर्ड, बाय।